नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे दोस्तों स्वर्ण काक्य है भाग छः। तस्मिन एव ग्रामे एका अपरा दुष्टा वृद्धा निवसन। यहाँ पर तस्मिन एव उसी ही ग्रामे गांव में एका एक अपरा दूसरी लुब्धा लालची वृद्धा बुढ़िया निवसन रहती थी। उसी गांव में एक दूसरी लालची वृद्धा रहती थी। अब यहाँ पर जो निवसन है दोस्तों, इसमें यण संधि है निधन एवसन। निधन एवसन यण संधि है, और जो एवसन है इसमें वस धातु और लंग लकार। लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है निवसन, और निवसन का कर्ता क्या है? वृद्धा। निवसन का कर्ता क्या है? वृद्धा। अब वृद्धा विशेष्य शब्द है, इस विशेष्य शब्द का विशेषण क्या होगा? लुब्धा। लुब्धा मीन्स लालची। अच्छा, वृद्धा कुत्र निवसन, वृद्धा कहाँ रहती थी? कुत्र का मतलब कहाँ, प्रश्न बनाते हैं। तो वृद्धा कुत्र निवसन, वृद्धा कहाँ रहती थी? तो हमारा आंसर होगा ग्रामे। पुत्र के स्थान पर क्या लिखेंगे? ग्रामे। और वृद्धा की दृश्य आसीत, वृद्धा कैसी थी? लुब्धा लालची थी। तो देखिए दोस्तों, तस्मिन एव उसी ही ग्रामे गांव में एक दूसरी लालची वृद्धा रहती थी। यहाँ पर ग्रामे अधिकरण कारक है में पर, तो गांव में अर्थ हुआ इसका। नेक्स्ट है तस्या की एका पुत्री, तस्या उसके भी एक पुत्री आसीत थी। तस्या अपि उसके भी एका पुत्री, एक पुत्री आसीत थी, उसके भी एक पुत्री थी। यहाँ पर पुत्री है जो विशेष्य शब्द है, पुत्री कर्ता है, तो आसीत क्रिया है। आसीत लग लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, इसकी मूल धातु है अस धातु, और इसका कर्ता क्या होगा? पुत्री। और पुत्री का विशेषण क्या होगा? एका। और अपि क्या है? अव्यय शब्द है, अपि मीन्स भी, उसके भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या, ईर्ष्या से तृतीया विभक्ति एक वचन है ईर्ष्या में, और मूल शब्द क्या है? ईर्ष्या। तो ईर्ष्या से सा उसने तस्य स्वर्ण काकस्य उस सुनहरे कोवे का रहस्यम रहस्य ज्ञातवती जान लिया। ईर्ष्या से उसने उस सुनहरे कोवे का रहस्य जान लिया। सुनहरे कोवे का क्या जान लिया उसने? रहस्य जान लिया। यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य किम ज्ञातवती, ईर्ष्या से उसने उस सुनहरे कोवे का किम क्या जान लिया? तो किम के स्थान पर लिखेंगे हम रहस्यम रहस्य जान लिया। अब जो ज्ञातवती है दोस्तों, उसमें ज्ञा धातु है, कर्तवतु प्रत्यय है कर्तवतु, और स्त्रीलिंग है स्त्रीलिंग। इसका कर्ता क्या है ज्ञातवती का? सा। कर्ता ज्ञातवती का क्या है? सा। और वैसे संज्ञा सब लिखे तो क्या लिखेंगे? वृद्धा। कर्ता सा है दोस्तों, स्पष्ट करने के लिए आप देख लीजिए सा किसके लिए आया है? वृद्धा के लिए। सा कौन है? वह वृद्धा, वह वृद्धा। उसने कैसे जान लिया? ईर्ष्या से जान लिया। ईर्ष्या से उसने उस सुनहरे कोवे का रहस्य जान लिया। नेक्स्ट दोस्तों, सूर्यातपे तंडुलान, सूर्यातपे सूर्य की धूप में तंडुलान चावलों को निक्षिप रख करके, तया अपि सौ सुताम रक्षार्थम नियुक्ता, उसने भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त कर दी। उसने भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। तो यहाँ पर निक्षिप है, उसमें न्यू उपसर्ग है, क्षिप धातु है, और लप प्रत्यय है, लप प्रत्यय है। इसका मतलब होता है रख करके, फेंक करके, और तो यहाँ पर इस वाक्य में इसका अर्थ होगा रख करके। सूर्य की धूप में चावलों को रख करके उसने भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। तो नियुक्ता में क्या है? नि उपसर्ग है दोस्तों, और युज धातु है, और कत प्रत्यय है स्त्री, कत प्रत्यय है स्त्री। तो इस प्रकार से है दोस्तों, सूर्यातपे सूर्य की धूप में चावलों को रख करके उसने भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। तथैव, तथा धन एव, इसमें वृद्धि संधि है, तथा धन एव वृद्धि संधि, क्योंकि आ के बाद ए आता है तो आई होता है वृद्धि संधि। तो वैसे ही स्वर्ण पक्ष सुनहरे पंखों वाला कोवा तंडुलान चावलों को भक्ष्यन खाते हुए
तामपि उसको भी तत्र एव आकार्यत वहीं आकार्यत का मतलब बुलाया। तो देखिए दोस्तों इसका भी संधि विच्छेद करके देखिए अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। भक्ष्य धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय है, भक्ष्य क्षत्रिय प्रत्यय और पुल्लिंग। भक्ष्यन का मतलब होता है खाते हुए, खाते हुए, ठीक है। और तत्र धन एव, तत्र धन एव, यहां तो वृद्धि संधि, धन एकार्यत, एकार्यत का मतलब होता है बुलाया। यहाँ पर एकार्यत है लग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तत्र मिक्स वहां, एव मिक्स ही, वहां ही एकार्यत बुलाया, वहां ही बुलाया। तो देखिए वैसे ही सुनहरे कोकों वाले, सॉरी वैसे ही सुनहरे पंख वाले कौवा, वैसे ही तथा धन एव, वैसे ही सुनहरे पंख वाले कौवा तंदुलान चावलों को भक्ष्यन खाता हुआ, ताम अपि उसको भी तत्र एव वहीं एकार्यत बुलाया। वैसे ही सुनहरे पंखों वाले कौवे ने चावलों को खाते हुए उसको भी वहीं बुलाया। नेक्स्ट है प्रातः तत्र, प्रातः है सुबह, तत्र वहां गत्वा जाकर के, सा काकं उसने कौवे को निभर्त्स्यन्ति डांटते हुए प्रवाचत कहा, किसने डांटते हुए, उस वृद्धा की पुत्री ने। प्रातः तत्र सुबह वहां, यहां पर संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों, प्रातः धन तत्र, ये 10th क्लास में है संधि, तो प्रातः का मतलब सुबह, तत्र मीन्स वहां, गत्वा जाकर के, गम धन तत्वा प्रातः, सुबह वहां जाकर के उसने कोए को डांटते हुए प्रवाचत कहा, क्या कहा, भू नीच का, अरे नीच का, अहम आगता, मैं आ गई हूं, मैं आ गई हूं। यहां पर अहम और धन आगता, आगता में दोस्तों आ उपसर्ग है और गम धातु है और तत्प्रत्यय स्त्रीलिंग है, तत्प्रत्यय स्त्रीलिंग है। इस आगता क्रियापद है, इसका कर्ता क्या होगा, अहम होगा। आगता क्रियापद का कर्ता क्या होगा, अहम होगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, सुबह वहां जाकर के उसने कोए को फटकारते हुए कहा, हे नीचकांत मैं आ गई हूँ, ठीक है, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रियच, मुझे चावलों का मूल्य दो। यहाँ पर प्रियच जो शब्द है वो क्रिया है, ये लोट लगान मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, प्रियच का मतलब दो, तो लोट लगान मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है ये दोस्तों, तो इसका कर्ता क्या होगा दोस्तों, त्वम, त्वम मीन्स तुम मुझे तंडुल मूल्य दीजिए, चावलों का मूल्य दीजिए। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है करता है ये अंडरस्टैंडिंग है, तो दोस्तों हम अपनी तरफ से जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है तो कर्ता भी मध्यम पुरुष एक वचन का होगा, तो तुम मुझे चावलों का मूल्य दो। काको अभ्रवीत कौवा बोला, काको अभ्रवीत का मतलब कौवा बोला, अहम त्वत करते, अहम मैं त्वत करते तुम्हारे लिए, प्रत्यक्ष लिए, अहम त्वत करते मैं तुम्हारे लिए सोपानम सीढ़ी अवतारियामी उतारता हूं। यहां पर अवतारियामी है दोस्तों, ये है लट लगार उत्तम पुरुष एक वचन, लट लगार उत्तम पुरुष एक वचन, तो इसका कर्ता क्या होगा, अहम कर्ता होगा, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं। तत् कथे तो कहिए, स्वर्णमय सोने की, रजतमयम चांदी की, अथवा ताम्रमयम तांबे की, गर्वितया बालिकया घमंडी बालिका ने प्रोक्तम कहा, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, सुनहरी सीढ़ी से मैं आऊंगी, सुनहरी सीढ़ी से मैं आऊंगी, सोने की सीढ़ी से मैं आऊंगी। तो यहाँ पर दोस्तों बालिकया है, इसमें तृतीया विभक्ति एक वचन है, और जो इस बालिका का विशेषण क्या होगा, गर्वितया, गर्वितया। और जो यहाँ पर प्रोक्तम है, इसमें पर्य उपसर्ग है दोस्तों, और उक्तम क्या है, क्रिया है, तो क्रिया है, तो इन दोनों में क्या हुई, गुण संधि हुई, तो हो गया प्रोक्तम, प्रोक्तम मीन्स कहा। तो घमंडी बालिका ने कहा, सोने की सीढ़ी से मैं आऊंगी। यहाँ पर आगच्छा में उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया है, लट लगा रहे, तो अहम इसका करता हुआ। परम लेकिन स्वर्ण काकस तत्व करते, सोने सुनहरे कोवे ने उसके लिए ताम्रमयम, तांबे की
सोपानम एव सीढ़ी को ही प्रायश्चित दिया, लेकिन सुनहरे कोवे ने उसको तांबे की सीढ़ी ही दी। स्वर्ण काकस ताम सुनहरे कोवे ने उसको भोजनम अपि भोजन भी ताम्र भाजने एव तांबे के बर्तन में ही एकाग्रित करवाया। सुनहरे कोवे ने उसको भोजन भी तांबे के बर्तन में ही करवाया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपि है, एव है, ये अव्यय है। अपि मीन्स भी, एव मीन्स ही। ताम्र भाजने में सप्तमी विभक्ति एकवचन है, सेवन मन सप्तमी विभक्ति एकवचन मीन्स अधिकरण का है तांबे के बर्तन में। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर स्वर्ण काक है, स्वर्ण काक ये करता है किसका है, एकाग्रत इसका करता है। अब इस पैराग्राफ का एक बार पूरी का अनुवाद देखते हैं और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए, उसी गांव में एक दूसरी लालची वृद्धा रहती, उसका उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या से उसने उस सुनहरे कोवे का रहस्य जान लिया। सूर्य की धूप में चावलों को रख करके उसने भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त किया। वैसे ही सुनहरे पंखों वाले कोवे ने चावलों को खाते हुए उसको भी वहीं बुलाया। सुबह वहां जाकर के उसने कोवे को डांटते हुए कहा, हे नीच काक, मैं आ गई हूँ, मुझे चावलों का मूल्य दीजिए। कोवा बोला, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, तो बताओ सोने की, चांदी की अथवा तांबे की। घमंडी बालिका ने कहा, सोने की सीढ़ी से मैं आती हूँ, लेकिन सुनहरे कोवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही दी। सुनहरे कोवे ने उसको भोजन भी तांबे के बर्तन में ही करवाया। दोस्तों इस प्रकार से इसका दोस्तों अनुवाद हमने सीखा। फिर भी यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट अवश्य कीजिए दोस्तों, लेकिन आपको पसंद आ गया वीडियो तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखिए दोस्तों, लुब्धा वृद्धा पुत्र न्योसन, लालची वृद्धा कहाँ रहती थी? तो यहाँ पर दोस्तों पुत्र के स्थान पर हम लिखेंगे ग्राम में। लालची वृद्धा कहाँ रहती थी? गाँव में रहती, ग्राम में। नेक्स्ट है, वृद्धा प्रकटता की दृश्य आशी, वृद्धा स्वभाव से कैसी थी? तो की दृश्य के स्थान पर लिखेंगे दोस्तों लुब्धा, वह लालची थी। नेक्स्ट, वृद्धा कया ताकत से रेशम ज्ञातवती, वृद्धा ने कैसे कौवे का रहस्य जान लिया? कया ईर्ष्या, ईर्ष्या से। तो इसका आंसर लिखेंगे ईर्ष्या, ईर्ष्या, ईर्ष्या से उसने उसका रहस्य जान लिया। नेक्स्ट है, वृद्धा तंडुलान पुत्र निक्षिपे सुताम नियुक्ता, वृद्धा ने चावलों को कहाँ रख करके अपनी बेटी को नियुक्त किया? तो वृद्धा ने चावलों को कहाँ रख करके अपनी पुत्री को नियुक्त किया? तो दोस्तों चावलों को कहाँ रखा? सूर्यातपे। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा दोस्तों सूर्यातपे। चावलों को उसने रखा सूर्यातपे, सूर्य की धूप में रखा, सूर्य की धूप में रखा। नेक्स्ट है, अहम आगता, मैं आ गई हूँ, मुझे चावलों का मूल्य दीजिए। इति का वदति, इस प्रकार कौन बोलती है? तो काके स्थान पर दोस्तों लिखेंगे पुत्री, कौन सी पुत्री? वृद्धा या पुत्री, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, वृद्धा या पुत्री, वृद्धा की पुत्री कहने लगी। एक शब्द में पूछते हैं तो हम यहाँ पर डैश लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, गर्विता बालिका कीदृशीन सोपानीन आगंतुम इच्छति स्म, परंतु सा कीदृशीन सोपानीन आगयती, घमंडी बालिका कैसी सीढ़ी से आना चाहती थी, लेकिन वह कैसी सीढ़ी से आती है? तो दोस्तों लिखेंगे यहाँ पर गर्भवती बालिका, घमंडी बालिका किधर से कैसी सीढ़ी से आना चाहती थी? तो यहाँ पर लिखेंगे स्वर्णमयी, सोने की सोपानीन सीढ़ी से आगंतुक इच्छति इसमें आना चाहती थी, लेकिन वह किधर से किस कैसी सीढ़ी से आती है? ताम्रमयी, ताम्रमयी, तांबे की सीढ़ी से आती है। तो दोस्तों देखिए आप वह कैसी सीढ़ी से आना चाहती थी, देखिए स्वर्णमयीन सोपानीन अहम आगच्छामि की सोने की सीढ़ी से माना चाहती हूँ, लेकिन स्वर्ण काके सुनहरे कोवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही दी। तो हमारा आंसर होगा कि घमंडी बालिका सुनहरी सीढ़ी से आना चाहती थी, लेकिन वह
तांबे की सीढ़ी से आती है। ठीक है, अब हमसे अव्यय भी पूछ सकते हैं इसमें, तो उस अव्यय के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर तस्मिन् धन एव अव्यय है, एव का मतलब ही, यहाँ पर एका है जो संख्यावाचक विशेषण है, अपना मीन्स दूसरी। ठीक है, अब यहाँ पर अपि ये अव्यय है, अपि मीन्स भी। नेक्स्ट यहाँ पर अव्यय होगा तथा धन एव, यहाँ पर भी अव्यय है दोनों, तथा मीन्स वैसे मीन्स ही। नेक्स्ट अपि ये भी अव्यय है, तत्र धन एव ये दोनों अव्यय हैं, और तत्र ये भी अव्यय है। ठीक है दोस्तों, फिर है यहाँ पर अव्यय, यहाँ पर जो कृत्य है ये भी अव्यय है। कृत्य का मतलब होता है लीन, वामिच अथवा, तो इस प्रकार से परामिच, लेकिन ये भी अव्यय है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम जो भी हमारे सीन पैसे जाता है उसमें से हम सबसे पहले स्थानवाद करेंगे, उसके बाद में प्रश्न उत्तर आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।